तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? और आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं नहा ली, पूजा कर ली, आज गुरुवार है तो मैं पूजा वूजा सब कर ली और अभी जा रही हूँ मैं पास्ता बनाने। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ मैं कैसे पास्ता बनाती हूँ। अभी मैंने गैस पे पैन रख दिया है, फ्राई पैन, और गैस को ऑन कर दिया है। अभी गर्म हो रहा है, इसे तेल डालूँगी। और मैं इधर पास्ता बॉईल करके रख ली हूँ, और इधर मेरा लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है, बना के रख ली हूँ। पेस्ट नहीं है, चॉपर में चॉप की हूँ। और इधर टमाटो और शिमला मिर्च काट ली हूँ, और थोड़ी सी ये हरी मिर्च ली हूँ, ये तीखी नहीं है, सादी है। और ये मैंने प्याज कट कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं इसमें तेल डालूँगी। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। ये मेरा प्याज हल्का फ्राई हो गया, ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का ही ब्राउन करूँगी मैं। तो अब मैं इसमें टमाटो, कैप्सिकम, ये मिर्च जो काट के रखी हूँ, ये सब डाल दूँगी मैं। इसको मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें लहसुन और मिर्ची के पेस्ट डाल दूँगी, और अदरक है इसमें, अदरक लहसुन मिर्ची के पेस्ट डाल दी मैं। अब इसको भून दूँगी। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और इधर मैं मैगी मसाला और मैगी पास्ता मसाला ली हूँ, इसको मैं डालूँगी अभी इसमें। ये मसाला डाल दी मैं इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप डाल दी हूँ, इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं पास्ता डालूँगी। तो अभी मैं इसमें पास्ता डाल दी हूँ मैं, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, चलाऊंगी। तो मेरी पास्ता बनकर रेडी है, आप लोग देख रहे हैं ना कितना अच्छा देखने लग रहा है। अब थोड़ी सी मैं धनिया पत्ती डाल दूंगी ऊपर से, बन गई है। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी, ठीक है। तो दोस्तों, पास्ता बनकर रेडी है, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए मुझे। तो फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।